हेलो एवरीवन, आई होप पेपर्स अच्छे गए आप लोगों के। एंड दिस इज़ वंस अगेन फॉलोइंग द ट्रेडिशन दैट वी बीन सॉल्विंग द एग्जाम पेपर्स ऑन द वेरी सेम डे। वी डिड इट फॉर एफआर एज वेल एंड टुडे वी आर डूइंग इट फॉर ऑडिट एज वेल। गिव मी अ मिनट जस्ट टू चेक इन टर्म्स ऑफ क्या हाल चाल है आप लोगों के, पेपर आपके कैसे रहे। आई एम श्योर कुछ लोगों का ये भी सवाल होगा कि शुड आई ऑप्ट आउट। नॉट टू से कि ऑडिट का पेपर आपको ऑप्ट आउट करने के लिए मजबूर कर रहा है, बट डेफिनेटली दैट बींग एन ऑप्शन अवेलेबल दैट क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर। वील कम टू दैट पर्टिकुलर पोर्शन आफ्टर एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम इज वेरी वेरी क्लियर दैट वी जस्ट हैव टू काइंड ऑफ क्विकली डिस्कस द नवम्बर 2020 ऑडिट न्यू कोर्स पेपर। ओल्ड कोर्स के लिए वी विल डू अ सेपरेट क्विक एनालिसिस ऑन टेलीग्राम। दिस विल बी स्पेसिफिक टू द न्यू कोर्स इज वॉट वी आर डिस्कसिंग। एंड मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है या नहीं आ रही है एक बार प्लीज़ अंदेशा दे दीजिए। एंड शुभम सेज डोंट ऑप्ट आउट, एम आई देयर। मनीषा सेज ऑडिट गुड सर, नॉट गुड सर, फास्ट फास्ट डिस्कस, थैंक यू फॉर कमिंग लाइव सर। चलो मनीषा, लेट्स सी द रिव्यू। मे बी पोस्ट द रिव्यू यू माइट फील दैट यू नो दिस इज बिकमिंग, इन फैक्ट जितना सोचा उससे बेहतर गया है। जस्ट टू बिफोर काइंड ऑफ कन्फर्म, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, सो चैट के लिए आपके पास यूट्यूब का चैट अवेलेबल है। आई ऑल्सो हैव द टेलीग्राम चैट अवेलेबल विथ मी हियर इन केस इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू पुट अप एनी थिंग देर, यू कैन एज वेल हैव द ऑप्शन टू डू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे प्लस अपनी फास्ट की वेबसाइट पे आई हैव शेयर्ड बेसिकली द पेपर विच इज़ फॉर द न्यू कोर्स एज वेल एज द ओल्ड कोर्स। तो आप चाहो तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इन एनी केस आई विल बी शोइंग इट हियर। चलिए, तो वीडियो लैग कर रहा है। ओके, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली आई हैव बीन ट्रैवलिंग, मैं इंदौर का हूँ पर अभी इंदौर में नहीं हूँ, अत्यारे हूँ, आई एम इन अहमदाबाद। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कुड बी दैट आई एम वर्किंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज। एफ आर का भी रिव्यू मैंने इसी तरह से लिया था, आई वॉज आउट ऑफ होम बट इट वेंट वेल, तो उम्मीद करते हैं ये भी अच्छा जाएगा। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद आर डिस्कशन। सबसे पहले आई एम श्योर आप लोगों को एमसीक्यू के बारे में जानना होगा। बिफोर वी कम टू दैट, लेट मी टेल यू ये रिव्यू किसको नहीं देखना है और किसे देखना है। ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ए गिवन देयर पेपर एंड दे आर प्रीटी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, इसको अभी बंद कर दीजिए। सेकेंड, हु हैव सम काइंड ऑफ अ डाउट, वॉन्ट टू सी, बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस अप एंड देन ओनली मूव ऑन, ओनली दोज आर द वंस हु हैव टू सी इट। Everybody who has their attempt post November 2021 should definitely look at this and understand what kind of paper was this or institute इसमें कैसे सवाल पूछ रहा है। हमारे पास जो पेपर सामने हैं वो 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पेपर है। हमारे पास जो पेपर सामने नहीं है वो आपके MCQs हैं। MCQ आपके टोटल 30 मार्क्स के आए थे। तो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट द MCQs एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली देवांश, हू एक्चुअली हैड memorized a lot of MCQs and I have 23 out of the 30 MCQs which were asked in the exams. I am not going to read out these MCQs, I am just going to tell you ki pattern kis tarah ka raha tha. Before that, a quick input about the paper. So what do you think about the paper? I think this was a paper where you will not have a problem to score a 40 plus 50 plus kind of a mark. But yes, definitely if you want to score high marks, this is not that kind of a paper jisko dekh ke aane ke baad aapko andar se aisa feel lagega wow for diya bahut badhiya marks aayenge. जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें बहुत सारे थियोराटिकल क्वेश्चन थे एंड थियोराटिकल क्वेश्चन में ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रीजनिंग बेस्ड। आई वॉज नॉट से कि इस पेपर का मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ डिस्क्रिप्टिव पार्ट वॉज केस स्टडी और रीजनिंग बेस्ड जैसा इंस्टीट्यूट क्लेम करते आया न्यू कोर्स में। इट वॉज प्रमेरली मोर ऑफ अ थियोराटिकल नेचर। वंस वी सी द क्वेश्चन यू विल बी श्योरली गोइंग टू एक्सेल फैक्ट। 30 मार्क्स के MCQ कहाँ से आए थे और ओवरऑल पेपर का पैटर्न कहा था, लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। मैंने आपके लिए क्विकली एक ये जिस्ट बना दी है, लेट्स स्टार्ट विद दिस ओवरऑल एनालिसिस, यहाँ पे आपको दिखेगा। एंड एम आई देयर, हेलो, हेलो हेलो हेलो, चेक चेक चेक, इज द स्ट्रीम वर्किंग? जस्ट टेल मी प्लीज इफ एवरीथिंग इज फाइन, आई कांट सी वेदर द स्ट्रीम इज वर्किंग हियर।
ठीक है, लैग हो रहा है, ओके. तो आई विल जस्ट कंटिन्यू विद माय डिस्कशन, मे बी पोस्ट आप लेटर ऑन इसको वहाँ पे देख सकते हो. तो सबसे पहले इफ़ आई डू दी एनालिसिस, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एनालिसिस में आप देखेंगे साफ साफ यहाँ पे कि टोटल वेटेज इस बार अगर आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट का देखोगे तो आपको लगेगा स्टैंडर्ड ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आए. इनफैक्ट आप देखिए कि देर वर 7 आउट ऑफ टोटल 19 क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछे जाते थे. पेपर का पैटर्न होता है 30 MCQ, 70 आपके रेगुलर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव, जिसमें हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन 5 5 4 14 × 6 क्वेश्चन, एक ऑप्शनल, तो 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. एक इंटरनल चॉइस मिला के 19 क्वेश्चन, जिसमें से 7 स्टैंडर्ड के. तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट देख के लगता है कि ये प्योरली अपने आप में किसका सवाल है, दिस इज़ प्योरली अ पेपर ऑफ स्टैंडर्ड. लेकिन अगर आप MCQs में जाओगे तो यू विल फाइंड MCQs में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वॉज स्पेशल ऑडिट. इन फैक्ट एक पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन पीयर रिव्यू का पूछा गया. तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द MCQs. MCQ में इंटीग्रेटेड केस स्टडी नंबर 1, इनफैक्ट मैंने कुछ नोटिंग कर रखी है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड केस स्टडी नंबर 1 वाज विद रिस्पेक्ट टू टैक्स ऑडिट, जिसमें GST ऑडिट का आई थिंक एक क्वेश्चन था और टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कुछ 3 से 4 क्वेश्चन थे. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टूडेंट से जो मेरी बातचीत हुई और जो फीडबैक मुझे मिला, वो सब उन्होंने मेजॉरिटी ने यह बताया कि हम सीधे क्वेश्चन पढ़ के आंसर सॉल्व करते तो भी हो जाता. देर वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिडंडेंट डेटा विच वॉज गिवन इन द केस स्टडी. तो इनफैक्ट केस स्टडी पढ़े नहीं पढ़े, आप डायरेक्टली क्वेश्चन आके इंटरप्रेट कर सकते हो कि ये क्या पूछना चाह रहे हो और जवाब दे सकते हो. मैंने अभी एक ऑडियो नोट भी शेयर किया था अबाउट द पेपर. मैंने कहा था इंस्टीट्यूट बॉम्बार्ड करता है इन्फॉर्मेशन, खास तौर पे इंटीग्रेटेड केस स्टडी, जिसमें इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई काम नहीं आता है. वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने हो सकता है टाइम बचाया होगा, स्मार्टली वर्क किया होगा. क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसमें आई के नॉट डेफिनेटली गिव यू दी आंसर्स हियर बिकॉज आई रियली डोंट नो इन टर्म्स ऑफ एक्जैक्टली क्वेश्चन और उसके क्या क्या ऑप्शन थे. बट आई क्विकली टेल यू, देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन GST एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ITC के डिफरेंस में क्या नेगेटिव का कारण नहीं बनेगा. 269 SS/ST का क्वेश्चन था कि क्लॉज 31 में रिपोर्ट होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि एक 5 5.5 लाख का पेमेंट था जिसमें से कुछ RTGS और कुछ कैश था. कॉस्ट ऑडिट डेफिशिएंसी रिपोर्ट करना है या नहीं टैक्स ऑडिटर को, क्लॉज 37 में रिपोर्ट की जाती है. ICDS का इम्पैक्ट किस में आएगा, तो बेसिकली अदर इनकम और प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आप ICDS का इम्पैक्ट देते और उससे रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस दिए गए थे कि क्या प्रिवेल करेगा और ICDS किसको इफेक्ट करता है, उसके बेसिस पे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. ये 4 मेरे पास है, 5वां क्वेश्चन क्या था मुझे पता नहीं है, आई कुड नॉट गैदर दैट फ्रॉम दी स्टूडेंट्स. सेकेंड MCQ आपका प्योरली पीयर रिव्यू से रिलेटेड था, दैट वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. उसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव नहीं आया लेकिन 10 मार्क का पूरा MCQ आ गया. वेरी इजी टू डू चैप्टर और इसमें प्राइमरली टाइमलाइंस होती हैं. और क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन टाइमलाइन, एक लेवल 1 2 3 एंटिटी के क्लासिफिकेशन का था जिसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी थी आपको क्लासिफाई करना था. देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट क्वालिफाइड असिस्टेंट कौन नहीं हो सकता है. देयर वाज अ क्वेश्चन की टाइम लिमिट रिस्पॉन्ड करने की कितनी होगी और अलग अलग ऑप्शन दिए थे कि पीयर रिव्यू की रिपोर्ट आई है तो कितने दिन में, क्वालिफिकेशन है तो कितने दिन में, इस तरह के कुछ सवाल थे. सो दैट इज अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ द इंटीग्रेटेड MCQs के आपके जो क्वेश्चन थे. इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में एक सिविल लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर का क्वेश्चन था. कंपनी का टर्नओवर बड़ा सा है तो उसके लिए सजेस्ट करना था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आप क्या कस्टमाइज सजेस्ट करोगे या SAP सजेस्ट करोगे. EOM और CAM के प्लेसमेंट का एक सजेशन था कि आपको CAM कहाँ या EOM कहाँ प्लेस करना चाहिए, जो कि यूजुअली डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस जस्ट अबव और बिलो प्लेस किया जा सकता है. PSU ऑडिट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर या पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या फंक्शन नहीं होता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था. यूजुअली उनके फंक्शंस होते हैं एक्सपेंडिचर आपने कहाँ किया, अप्रोप्रिएशन, रीअप्रोप्रिएशन और ऑथराइज लीगली डिस्पर्स्ड अमाउंट है या नहीं, उसके अलावा एक ऑप्शन होगा वो उसको टिक करना था. इंश्योरेंस कंपनी में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, जिसमें पूछा गया था कि ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस से रिलेटेड कौन सी चीज़ सही नहीं है. कई सारे MCQs में मुझे ऐसा लगा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. तो मेजॉरिटी में आपको आइडेंटिफाई करना था कि क्या उसका पार्ट नहीं है. पीयर रिव्यू में भी पूछा था कि आपके स्कोप में इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ नहीं आती हैं. चलिए, किसी के पास MCQ का पेपर आ गया, अभिषेक गोयल, ओ माय गॉड, गलती से आप पेपर लेकर आ गए, ठीक है. तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस प्लीज शेयर करिएगा, दैट विल बेनिफिट. बट आई थिंक अगर इंस्टीट्यूट को रिटर्न करने का ऑप्शन है तो चेक अबाउट दैट. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 से रिलेटेड आई वाज एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव तो नहीं आया लेकिन एक छोटा सा 1 मार्क का MCQ आ गया, बस बात रखने के लिए पूछ लिया शायद उन्होंने. इसमें पर्टिकुलरली उन्होंने कहा था कि कोई एडिशनल डिस्क्लोजर हम देना चाहते हैं और इनमें से कौन से डिस्क्लोजर आपको देने की जरूरत नहीं है. तो शेड्यूल 3 में अगर आप देखेंगे तो नेट असेट्स, प्रॉफिट्स, डिविडेंड, OCI, इनकी इन्फॉर्मेशन, NCI की इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइबिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं देते, शायद वो ऑप्शंस में से एक पर्टिकुलर वो ऑप्शन था. चलिए, तो ये आपके MCQs थे. मेरे पास जो टोटल MCQs पता पड़े हैं वो 26 आउट ऑफ 30 मुझे पता पड़े हैं ब्रीफली, जिसके बेसिस पे मैंने ये पेपर का पैटर्न दिया है.
अगर अपन स्टार रेटिंग दें यहाँ पे तो नंबर वन स्टार किसको दिया जाएगा? तो आई वुड से वंस अगेन स्पेशल ऑडिट इंक्लूडिंग एमसीक्यूज अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें से आए. सेकंड एसेज एज वी हैड एक्सपेक्टेड इट, तो एक मैंने एबीसी एनालिसिस शेयर किया था उसमें वी हैड एक्सपेक्टेड सिमिलर नंबर. हाउएवर कोड ऑफ एथिक्स में आई वॉज एक्सपेक्टिंग 15 प्लस का आएगा बट इट वॉज ओनली 12 अनलेस एंड अंटिल उस पर कोई एमसीक्यू है जिसकी जानकारी मुझे नहीं मिली. कंपनी ऑडिट वी आर एक्सपेक्टिंग बिटवीन 20 to 30, सो इट एक्चुअली केम 21 विच वॉज ऑन द लोअर साइड जस्ट बिकॉज की एसेस का और स्पेशल ऑडिट का उस सेंस में थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया. सो दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ द ओवरऑल एनालिसिस. क्वेश्चन आपके किस किस चीज़ के ऊपर थे तो ये सारे क्वेश्चन अब आपके पास पेपर है तो आप पढ़ लोगे. मैं आपको क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कवर करना था. ठीक है, आई एम नॉट एक्चुअली लुकिंग इन टू दी चार्ट्स टू मच बट ब्रीफली येस आई एम डेफिनेटली लुकिंग एट इट एंड डेफिनेटली आई विल बी एट द एंड काइंड ऑफ टेकिंग अप द क्वेश्चन बट आई विल बी हियर अ लिटिल क्विक इन टर्म्स ऑफ डिस्कसिंग द क्वेश्चन. ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ से इसको देख सकते हो. ये एनालिसिस सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट जिनके हैं उनको डेफिनेटली काम आएगा. यहाँ पे मैंने कलर कोडिंग कर रखी है, आप देख सकते हो जो भी ब्लू कलर में दिया है जो आपको शायद ब्लैक भी दिख रहा हो वो सब एसेज हैं. पिंक कलर में जो दिया है वो स्पेशल ऑडिट है एंड ऑल दी अदर ऑडिट्स. रेड इज ऑल कंपनी ऑडिट एंड ग्रीन अगर आप देखोगे तो इट इज ऑल एथिक्स. लेट्स जंप ऑन टू द क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर. चलिए अब मैं क्विकली एक एक करके आपको बता देता हूँ. पहला नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या था, ऐसे 501 एक्सपेक्टेड एबीसी क्लासिफिकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैंने दिया था. वन, इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट अगर हम 31 मार्च पे इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन नहीं कर पाए और किसी दूसरी डेट पे किया तो हमें क्या करना होगा. तो हमें जो बीच के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे अच्छे से चेक करना पड़ता है और अगर आप अनेबल टू अटेंड हो तो फिर आपको एक अल्टरनेट अटेंड कराना पड़ता है, ऑर्गेनाइज कराना पड़ता है. वो आपने कर दिया है तो आपने सिर्फ एडिशनली क्या करना है तो वो प्रोसीजर्स आपको लिखना थे. डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे 501 इन्वेंट्री काउंट एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन की चेकिंग से रिलेटेड. चलिए कमिंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि PQR लिमिटेड के आप ऑडिटर हैं और ये पर्टिकुलर कंपनी क्या कर रही है, एयरलाइन कंपनी है और इसके पास खूब सारा स्टॉक रखा हुआ है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे 560 से रिलेटेड ये सवाल है, पूछा है कि आपको सब्सिक्वेंट इवेंट का क्या इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना होगा जिससे ट्रेंड फेयर व्यू अफेक्ट होगा. तो आपको समझना यह है कि इन्वेंट्री को हम एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर व्यू करते हैं और अगर आपको डाउट है कि इन्वेंट्री आपकी कम प्राइस पे वैल्यू होगी बिकॉज आपकी सेलेबिलिटी पे डाउट है तो आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसिडर करके उसकी जो NRV है जो कॉस्ट से कम हो सकती है उसको कंसिडर करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली आपको उसका वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट देना पड़ता है. उस पॉइंट पे आपको आंसर लिखना था. चलिए नेक्स्ट आपका GSN कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पर्टिकुलर क्वेश्चन है. इसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर मैप लिमिटेड के लिए अपॉइंट किया गया और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेसिकली आपसे ऐसे 720 से रिलेटेड सवाल था कि आपने कोई एनुअल रिपोर्ट पढ़ी और एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट ने ऐसा कहा है कि मार्केट प्राइस का डाउनवर्ड ट्रेंड है जबकि जब आपने एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन देखा है तो वो बड़े हुए हैं, यानी कि द इन्फॉर्मेशन इज इनकंसिस्टेंट. तो दिस वॉज बेसिकली अबाउट मटीरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर ये आती है तो हम उसे कैसे डील करते हैं, ऐसे 720 बताता है, हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे उसको, फर्दर हमारी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट करेंगे या फिर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनफैक्ट अदर इन्फॉर्मेशन में गलती है तो उसको सही कराएंगे, अदरवाइज इम्प्लीकेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्टेड रिपोर्ट मॉडिफाई अदरवाइज विदड्रॉ करना या ओपिनियन लेना पड़ेगा. ये आपका पहला क्वेश्चन था, कंपलसरी क्वेश्चन. ऑफ लेट आप देखोगे तो मोस्टली दे बीन कमिंग फ्रॉम, यस यू आर राइट, स्टैंडर्ड्स. तो स्टैंडर्ड के ही कंपलसरी क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, इस बार भी ऐसा ही हुआ. तीनों ही क्वेश्चन इनफैक्ट स्टैंडर्ड क्या है, कई बार एक क्वेश्चन कंपनी ऑडिट का डालते हैं. वंस अगेन कोड ऑफ एथिक्स का एक अलग से क्वेश्चन नहीं था, अलग अलग क्वेश्चन में उनको बीच में एक एक करके इंट्रोड्यूस किया गया. चलिए नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 2A. PQR लिमिटेड का आप ऑडिट कर रहे हैं और आपको कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस मिले हैं जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ एंटिटी हैं. आपको बोला गया था कि आपको एग्जांपल्स देने हैं ऐसे सच ट्रांजैक्शंस के और नेचर ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस समझाना है. ऐसे 550 में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ एग्जाम्पल्स ही दिए हुए हैं आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, लाइक सर्कुलर अरेंजमेंट, सेल एंड रीपर्चेज, हैवी डिस्काउंटिंग विदाउट कंसिडरेशन सर्विस देना, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग करना, हैवी इक्विटी ट्रांजैक्शंस एंटर करना. ये सब आपके एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है और ये अगर आपको मिलते हैं तो फिर उस केस में ऑडिटर को उनका रैशनली समझना है, मैनेजमेंट से डिस्कस करना है और उसके डिस्क्लोजर्स अप्रोप्रिएटली आए नहीं वो डिस्कस करना होगा. अगला क्वेश्चन हमारा सेक्शन 132 से रिलेटेड था, विच इज रिलेटिंग टू नफरा, जिसमें प्राइमरली आपको रूल 3 एप्लीकेबिलिटी बतानी थी कि लिस्टेड कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल बोरोइंग्स 500 करोड़, टर्न ओवर 1000 करोड़, इनफैक्ट नेटवर्थ ओके पेड अप कैपिटल बोरोइंग्स टर्न ओवर 500 करोड़ उससे ज़्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं, टू बी लिस्टेड है, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, स्पेसिफाइड कंपनी, स्पेसिफाइड सेट ऑफ बॉडी, कॉर्पोरेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिन्हें नोटिफाई करती है, इन सब के ऊपर नफरा के प्रोविजन लगते हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना था.
अगला क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट से रिलेटेड है, यानी कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा डाइसी था, इनफैक्ट क्वेश्चन का नाम भी सीए डाइस था। इसमें बोला है कि आपने बैलेंस शीट साइन करी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 विच फेल टू गिव डिस्क्लोजर ऑफ चार्ज क्रिएटेड अगेंस्ट द कंपनी और बैलेंस शीट की साइज 26 करोड़ है। तो 26 करोड़ के सामने 4 करोड़ का चार्ज सब्सटैंशियल है। इफ़ यू फेल टू डिस्क्लोज अ मटेरियल फैक्ट इन एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद विच यू आर कंसर्न्ड इन प्रोफेशनल कैपेसिटी एंड सिंस दे हैव नॉट स्पेसिफिकली मेंशन दैट यू आर एन ऑडिटर ऑफ दैट यू जस्ट साइन द बैलेंस शीट इट सेज, तो आई थिंक कि इसमें शेड्यूल टू पार्ट वन क्लॉज 5 फेल्स टू डिस्क्लोज मटीरियल मिस स्टेटमेंट और मटीरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच ही नोज कि नहीं डिस्क्लोज करने पे मिस स्टेटमेंट हो सकता है। ये मेरे हिसाब से उसका क्वेश्चन होना चाहिए था। अगर ये चेकिंग से रिलेटेड होता तो फिर हम शायद ग्रॉस नेग्लिजेंस नॉट चेकिंग यानी कि क्लॉज 2, 7, 8 की बात कर सकते थे। चलिए लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई एम जस्ट क्विकली काइंड ऑफ कवरिंग अप कि इसमें कौन सा स्टैंडर्ड लगना चाहिए था और उसका ब्रीफ में क्या प्रोविजन होना चाहिए था, नॉट गेटिंग इन टू द डिटेल्स। आई हैव डेफिनेटली ऑल्सो कवर्ड समथिंग कि ये सारी चीज़ें हमारे स्टडी मटीरियल में क्या थी, उसका आंसर कट कॉपी पेस्ट करके आई एल बी अपलोडिंग इट इन द वेबसाइट आफ्टर योर फर्स्ट ग्रुप इज ओवर। आप वहाँ पे देख सकते हो ऑल दीज थिंग्स वर देयर इन द ड्रोन चार्ट इज वेल एंड ऑल्सो इन द स्टडी मटीरियल जो हम कहते हैं स्टडी मटीरियल यानी अपना फास्ट का जो मटीरियल होता है। बट दैट इज़ नॉट दी ऑब्जेक्टिव अभी कि मैं आपको बताऊं कि देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे इस पेज में, ये वाला इस पेज में, ये इस आंसर में है। वो स्टूडेंट समझता है, उसने दिया है पेपर तो उसको मालूम है कि कौन सी चीज़ अपनी किताब में है या नहीं है। तो इट इज़ ऑब्वियसली देयर इन द बुक्स। इफ द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये पेपर की क्या चीज़ें थी और इसमें कौन सा रेफरेंस एग्जैक्टली आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गया हूँ मैं। 3A स्टैचुटरी ब्रांच ऑडिट केएस बैंक लिमिटेड का है और आपने देखा है कुछ बोरोअर के अकाउंट रेगुलराइज हो गए हैं बिफोर बैलेंस शीट डेट। एनपीए क्लासिफिकेशन में एडवांसेस जब हम चेक करते हैं बिफोर बैलेंस शीट डेट रेगुलराइजेशन होता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना है, यू हैव टू बेसिकली चेक कि जो पैसा आपके पास आया है वो जेन्यून सोर्स ऑफ फंड्स आपके पास आए हैं, यानी सोर्स ऑफ फंड्स जेन्यून है, ये आपको प्रमाणली चेक करना पड़ता है। तो जो बैलेंस शीट डेट के पास रेगुलराइज होते हैं उसके ऊपर आपको ये मुद्दा लिखना पड़ेगा। तो आपको कहा गया था नरेट ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी कैरिड आउट विद स्पेशल फोकस ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस प्रोविजनिंग। तो आपको एक्जैक्टली इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स में लिखना होगा कि एनपीए क्लासिफिकेशन में ऑडिटर क्या क्या चीज़ें चेक करता है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी, स्पेशल फोकस की ईयर एंड है तो अपने को जेन्युइन सोर्स ऑफ फंड्स चेक करना है और उसकी फिर एज पर एनपीए नॉर्म्स क्लासिफिकेशन सही हुआ है या नहीं। ऑब्वियसली आंसर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबली क्या मैं एनपीए के नॉर्म्स भी लिख सकता हूँ मे बी, बट लगता नहीं है कि उसकी यहाँ पर से ज़रूरत है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। CAN has been appointed as auditor of TRP Limited. While conducting audit, तो उसने कुछ deficiency internal control के identify किए। आपको determine करना है whether a deficiency or combination of deficiency constitutes a significant deficiency and has to communicate them in writing to charge with governance and management. मेरे हिसाब से ये significant deficiency का usage 315 में भी होता है, 265 में भी होता है। 265 स्पेसिफिकली बात करता है कि व्हेन यू फाइंड अ डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट सो दैट इट मेरिट्स अ टाइमली रिटर्न कम्युनिकेशन टू TCWG एंड मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। वेरी क्विकली फैक्टर्स आर व्हाट इज द लाइकलीनेस ऑफ रिपीटेशन ऑफ दैट डेफिशिएंसी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व, व्हाट इज द अमाउंट इन्वॉल्व, whether it is relating to any kind of a fraudulent activity or just a misstatement, what kind of control is it affecting, is it affecting monitoring controls, is it affecting general IT controls, ye cheeze define karengi ki wo significant hai. To mere hisab se isme aise 265 ke reference ke sath answer aana chahiye tha. That's what my submission is. Cool, 265 is what a lot of people also say. Sakshi, Veena, cool. चलिए कुशल अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने GST टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन करी है। यूडन का क्वेश्चन था, कुछ लोगों को हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट लगा हो, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको और आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। यूडन इंस्टीट्यूट ने इनफैक्ट 2019 से फेब्रवरी अप्रैल एंड जुलाई बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू योर सर्टिफिकेट्स टैक्स ऑडिट GST ऑडिट्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑल दी अदर डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिवली नोटिफाई किया था। दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन में बोला है कि भैया यूडन में कैसे लिखूंगा जब ऑनलाइन रिपोर्ट देना है तो वहाँ पर तो कहीं जगह ही नहीं होती है यूडन की। तो ऐसे भी इंस्टीट्यूट का क्लैरिफिकेशन है, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर अबाउट इट और नॉट, बट येस यूडन आपको हर सर्टिफिकेट पर कंपल्सरली जनरेट करना है, उसे मैंशन करना है या नहीं। तो अगर आप कोई भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट में मैंशन नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको यूडन जनरेट करके अपने पास रखना होता है। रेगुलेटरी बॉडी या थर्ड पार्टी आपसे डिमांड करेगी तब आपको सप्लाई करना पड़ेगा। तो उस रेफरेंस में आपसे ये सवाल पूछा गया था। इनफैक्ट अगर आप कोड ऑफ एथिक्स 2020 देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली यूडन का पूरा नोटिफिकेशन इनकॉर्पोरेट किया गया, उसके प्रोविजंस पूरे डिटेल में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं यूडन से रिलेटेड। आपके ओल्ड कोर्स में दिस वाज जस्ट लाइक अ अपडेशन और अ क्लैरिफिकेशन जिसको अपन उस तरह से पढ़ते थे, विच आई एम श्योर ऑफिस में सबने देखा होगा। चलिए नेक्स्ट
Next, PQ Limited, a listed entity in the business of manufacturing specialty chemicals. CS Zaz, CFO है कंपनी का और उसे कुछ पॉलिसीज और प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करना है जिससे कि वो नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन डिटेक्ट कर सके, क्योंकि आप यहाँ ऑडिटर नहीं हो और CFO यानी यू आर अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को क्या नॉन कंप्लायंस प्रिवेंट करने के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाना चाहिए, ऐसे 250 कहता है. इनफैक्ट मैनेजमेंट को क्या नॉन कंप्लायंस प्रिवेंट करने के लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाना चाहिए, ऐसे 250 कहता है. इनफैक्ट 250 में स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे अपने ड्रोन चार्ट में 250 शुरू होता था. फर्स्ट पार्ट में चीज़ें आती थी कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कुड इंक्लूड कि हम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना सकते हैं, एम्प्लॉय को कोड ऑफ कंडक्ट समझा सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग दे सकते हैं, एक रजिस्टर बना सकते हैं. वी कैन ऑल्सो बेसिकली क्रिएट अ मैनुअल इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट आर द स्टैट्यूटरी रजिस्टर जैसी चीज़. वी कैन अपॉइंट अ लीगल एडवाइजर, इंटरनल ऑडिट फंक्शन हो सकता है, मॉनिटरिंग, उस तरह के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपको ऐसे 250 के रेफरेंस में देना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. ओके, नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से. तो इस बार अगर आप देखोगे ना तो ऑडिट में इन्होंने क्या किया, कंपनी ऑडिटर वाला पोर्शन एज सच कुछ भी नहीं आया, एक्सेप्ट आई थिंक एक एमसीक्यू आया था सिविल क्रिमिनल लाइबिलिटी किस में आएगी नहीं आएगी. बट उसके अलावा आप देखोगे तो एज सच कंपनी ऑडिटर वाला पोर्शन नहीं आया. कंपनी अकाउंट्स वाला आया, नफरा उन्होंने पूछा, एक शेड्यूल 3 से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने पूछा. इसका मतलब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स. इनफैक्ट कारों से रिलेटेड भी इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है. तो कंपनी ऑडिट में उन्होंने हर सेक्शन से प्राइमरीली एक एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उठा लिया, ऑडिटर वाले सेक्शन से पर से इधर तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली क्वेश्चन था कि आपको कॉम्पोनेंट्स इन्फॉर्म किए मैनेजमेंट ने, आपको चेक करना है कि वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स इन्फॉर्म किए हैं आपको वो कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट है या नहीं है. तो आप कैसे चेक करोगे, तो उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है कि हम लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हम चेक कर सकते हैं, वी कैन बेसिकली चेक इन टर्म्स ऑफ द अदर फाइलिंग्स विच वी हैव डन, वहाँ से हमें पता पड़ सकता है हमारे शेयर होल्डिंग. इनफैक्ट जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे जो अग्रीमेंट्स हैं जॉइंट वेंचर्स अग्रीमेंट्स के उनके थ्रू, तो वो लिस्ट है उसके बेसिस पे आपको सिंपल डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन था. इसमें अच्छे मार्क्स आपको प्रैक्टिकली आना चाहिए. नेक्स्ट, MM लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 पे खत्म हो गया. 4 लाख पर मंथ हम मार्केटिंग सर्विसेज के लिए पेमेंट कर रहे थे. पार्टनरशिप फर्म है जिसमें डायरेक्टर इज एक्चुअली अ रिलेटेड पार्टी. तो हमारी कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका उस कंपनी में 30% प्रॉफिट शेयर है, किसमें, पार्टनरशिप फर्म में, और उसको हम 4 लाख पर मंथ दे रहे थे. और आर्म्स लेंथ प्राइस से लग रहा है ये 1.5 लाख ज़्यादा है. कारों में आपको रिपोर्ट करना है, अगर किसी ने MTP नवंबर 2020 की मैंने डिस्कस रिपोर्ट करना पड़ता है, सेक्शन 177-188 का कंप्लायंस हुआ है नहीं, और रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो डिस्क्लोजर्स देना थे वो दिए हैं या नहीं, उसके रेफरेंस में आपको आंसर साफ साफ पूछा है कारों में आप कैसे रिपोर्ट करोगे. तो यहाँ पे आपको लिखना है डेफिनेटली कि आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, मार्केट प्राइस पे नहीं हुआ है, ज़्यादा पे हुआ है, तो डेफिनेटली कारों में हमको इसकी रिपोर्टिंग देना पड़ेगी. एंड 177-188 का कंप्लायंस ऑडिटर चेक करेगा, नॉन कंप्लायंस है तो रिपोर्ट करेगा. उसमें प्राइमरी रिपोर्टिंग दो पार्ट में होती है कि एक तो कंप्लायंस इनफैक्ट ऐसे ट्रांजैक्शन हुए या नहीं और उनका कंप्लायंस हुआ है नहीं, तो उसके अंतर्गत आपको कारों की रिपोर्टिंग पर से मेंशन करना थी. चलिए, ओके, अमंग सेज लैग हो रहा है, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट टोल्ड आई एम एक्चुअली आउट, नॉट एक्चुअली इन माय होम टाउन, आई हैव जस्ट कैरीड समवेयर एल्स और मैंने एक टेम्परेरी स्टूडियो बनाया है वहाँ से मैं ये कर रहा हूँ. थोड़ा सा नेट का इशू हो सकता है, बट प्लीज़ काइंड ऑफ बियर विथ मी फॉर दैट. बट येस, आई हैव मेड श्योर कि आई डू द एनालिसिस ऑन द सेम डे. आरुषि बोल रही है बहुत बढ़िया गया पेपर, 65+ की उम्मीद है उसको. शुभम 188 सेक्शन कुछ कह रहा है, उसके बाद मेरे पास भी यहाँ पे चार्ट्स नहीं आ रही हैं. एनीवेज, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन दोस्तों. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5A. मैनेजमेंट ऑडिटर हैज़ टू एनालाइज नेचर एंड कॉजेज ऑफ बिहेवियरियल प्रॉब्लम्स. तो दोस्तों ये बिहेवियरियल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है. मैंने वॉइस नोट दिया था, उसमें मैंने क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने उसकी बात की थी, उसमें एक एग्जाम्पल दिया था बिहेवियरियल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप क्या मैटर्स लिख सकते हो, उससे रिलेटेड ही आ गया. ये मैनेजमेंट ऑडिटर की बिहेवियरियल प्रॉब्लम है. तो इसमें प्रमाली इन्होंने ये पूछा है, हाउ विल यू डेमोस्ट्रेट एन अराइविंग अ सॉल्यूशन. तो बिहेवियरियल प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट का आंसर होता है. पहले मैं आप बताते हो प्रॉब्लम्स क्या आ सकती है और उसमें सॉल्यूशन होते हैं. सॉल्यूशन के 5 पॉइंट्स होते हैं इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो, जिसमें हम प्रमाली ये सब चीज़ें चेक करते हैं कि भाई एक हमारी अप्रोच क्या हो सकती है, हम पार्टिसिपेटिव अप्रोच रख सकते हैं, हम उनको अपना पर्पस समझा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भाई देखो हमारा ऑब्जेक्टिव कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना है, वी आर हियर नॉट टू बेसिकली आइडेंटिफाई एरर्स, ऐसे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स आपको लिखना होते हैं. ड्रोन चार्ट में आप देखोगे तो इफ आई रिमेंबर करेक्टली मैनेजमेंट ऑडिट में आखिरी में वो राइट साइड में आता था उस पेज में. एनीवेज, मेरी भी थोड़ी सी ऐसी पिक्टोरियल मेमोरी हो गई है. तो आपको वो सारे पॉइंट्स लिखने थे बिहेवियरल प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. लार्ज साइज एंटिटी है, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी. मैंने कहा था कि आप एक, इनफैक्ट जो मैंने ABC एनालिसिस दिया था उसमें मैंने कहा था
मेरे हिसाब से ऑडिट कमेटी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए कैटेगरी, और उसमें लिमिट बेस्ड जो क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे भी इन्होंने पूछा था कि एनआरसी की आपको रोल और कॉम्पोजिशन बताना है। तो कॉम्पोजिशन क्या होती है, बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कमेटी होती है, बोर्ड इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है, मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, आधे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, SR इक्विटी शेयर है, स्पेशल राइट इक्विटी शेयर, तो 2/3 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रोल क्या होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, अब मैं क्या रिपीट कर रहा हूँ बट आपको ध्यान होगा, बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपके होते हैं, उसको हम बेसिकली उनका कोड उनकी फंक्शंस रेकमेंड करते हैं, वी कॉन्स्टिट्यूट बेसिकली इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पॉलिसी, रेकमेंड करते हैं कौन क्वालिफाइड हैं टू बिकम द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, उनके रिकमेंडेशन हम देते हैं, एनालिसिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमारा कैसे होगा, उसकी एनालिसिस का हमारा पर्पज होगा, किसको रीअपॉइंट करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, वो सारे कुछ मुद्दे अपने को मैंशन करना थे। ठीक है, चलिए देन ये RTP का क्वेश्चन है, कोई ऐसा कह रहा है, ओके नेक्स्ट। अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 एंड शेड्यूल, मिस्टर विनीत चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ओके वेबसाइट का क्लॉज 6 का क्वेश्चन है। तो क्लॉज 6 से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो अगेन दिस वाज आल्सो आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लॉजेस इन द ABC एनालिसिस व्हिच आई शेयर्ड। तो कोड ऑफ एथिक्स में मुझे लगा था 6-7 हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार भी आया उसके ऊपर। इन्होंने बोला है वेबसाइट, तो इसमें गलतियाँ क्या क्या थी, एक तो नेम ऑफ क्लाइंट नहीं देते जब तक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं हो, इन्होंने दे दिया, वो गलत है। अट्रैक्टिव फॉर्मेट ठीक है, पर्पल कलर ठीक है, इसके अलावा इन्होंने वेबसाइट की ईमेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर दी, ये पुश मोड माना जाएगा, ये सही नहीं है। इंस्टीट्यूट को इंटीमेट अलग से नहीं करना पड़ता है, जो एनुअल पर्टिकुलर ऑफ फॉर्म्स जाता है उसमें आपको वेबसाइट का एड्रेस देना पड़ता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट, विपिन हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ IG इंश्योरेंस कंपनी 3 ऑफ इट्स ब्रांचेस। बोलने को इंश्योरेंस था, देख के लग रहा था इंश्योरेंस कंपनी का है, पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और ही हो गया आखिरी में। इनफैक्ट मैंने अपने ऑडियो नोट में जो क्वेश्चन आंसर्स किए थे उसमें एक पॉइंट बोला था, रीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। कई बार होता है क्वेश्चन बात करता है से फॉर एग्जाम्पल की ऑडिट मैटर या कंसोलिडेशन की, और आखिरी में क्वेश्चन होता है प्रिंसिपल ब्रांच ऑडिटर का। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आखिरी में इन्होंने पूछा है कि हम ट्रेडिशनल मैनुअल अप्रोच ऑडिटिंग की फॉलो करना चाह रहे हैं, एंड वी आर नॉट इंटेंडिंग टू फॉलो द गोइंग चेकिंग इट थ्रू द कंप्यूटर। आई पर्टिकुलरली फील, मुझे IPCC इंटर की दिनों की याद दिलाती, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, ये अराउंड करना चाह रहा है तो हम लिखेंगे भाई ऑडिट के ऑब्जेक्टिव दोनों ही अप्रोच में सेम होते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बेसिकली सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करके ओपिनियन देना, उस एंगल से क्वेश्चन आएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज अ स्टूडेंट, आई वुड हैव ऑप्टेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड नॉट दिस पार्ट, ये ऑप्शन में था क्वेश्चन एज सच, तो बेटर टू बी अवॉइडेड, दैट्स माय पर्सनल रिकमेंडेशन। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं, CA नदार इज कंडक्टिंग स्टार्ट ऑडिट ऑफ RHL नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इट हैज ब्रांचेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, द कंपनी इज विद अ फोकस ऑन हाउसिंग फाइनेंस एज आउटस्टैंडिंग नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और इस पर्टिकुलर ओके तो क्वेश्चन बेसिकली NBFC ऑडिट से रिलेटेड था, डिपॉजिट से रिलेटेड है, कंपनी की क्रेडिट रेटिंग डिग्रेड हो गई है, तो आपको डिपॉजिट्स के मोबिलाइजेशन पे क्या चेक करना है। आप ड्रोन चार्ट देखोगे तो अपना ड्रोन चार्ट में कुछ ऐसे स्पेसिफिक आप देखोगे तो 3x4 ऐसे पॉइंट्स दिए हुए थे। पब्लिक डिपॉजिट के मोबिलाइजेशन में क्या चेक करना होता है बेसिकली, तो हम चेक करते हैं क्रेडिट रेटिंग लिया उसके बेसिस पे आपने डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑफर किए हैं वो विद इन द लिमिट्स हैं, उसके रिटर्न्स आपने फिलफिल किए हैं फाइल किए हैं, जो आपके क्वार्टरली रिटर्न्स होते हैं वो टाइमली फाइल किए गए हैं, उसके बेसिस पे आपने बोर्ड का रिजोल्यूशन पास किया अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हुआ करते थे। और स्पेसिफिकली यहाँ बोला है कि रेटिंग डाउन हुई है तो पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू डाउन रेटिंग, यानी उसको आपको स्पेसिफाई करना है, बट ऐसा नहीं है सिर्फ उसी के बारे में लिखना है, तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि क्रेडिट रेटिंग थ्रू आउट मेंटेन होना चाहिए, कभी भी क्रेडिट रेटिंग अगर डिग्रेड होती है तो हमारी जिम्मेदारी है हमें मैच करना है, नहीं तो हमें रिफंड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, इन कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ क्विक लिमिटेड यू सस्पेक्ट दैट मैनेजमेंट हैज मेड मिसस्टेटमेंट इंटेंशनली टू डिसीव द यूजर्स एंड टू सकुम द प्रेशर्स टू मीट द मार्केट एक्सपेक्टेशन, एल्यूसिडेट हाउ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मे बी अकम्प्लिश्ड एंड ऑल्सो डिस्कस द टेक्निक्स ऑफ कमिटिंग फ्रॉड बाय मैनेजमेंट ओवरराइडिंग कंट्रोल। ये क्वेश्चन दोस्तों ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी जो क्वेश्चन बैंक है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक में, आई विल जस्ट लाइक टू कम टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वंस, I had in fact taken this out. Okay. तो ये practice manual में देखो ये similar question है आपका, A limited suspect कर रहा है management fraudulent financial reporting कर रहा है, उसके sources बताइए और ये sources हैं और management overriding controls की techniques के through क्या क्या frauds कर सकता है, ये basically उससे related आपके points हैं। I'm sorry, I'm just missing out on the ink of this particular pen, so I'm not using this. तो आपको primarily source में falsification of accounts आप कर सकते हो, manipulations, misrepresentation, intentional misstatement, और आप fraudulent activities, in fact management override control के through कैसे fraud कर सकता है management, तो basically generally आप जानते हो fictitious entries pass करी जा सकती है, related party transactions outside the normal course of business transaction कर सकते हैं, टैक्स सेविंग्स में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, फिजिकल असेट्स को स्टील कर सकते हैं, ये सब तरह के वहाँ पे एग्जांपल्स हैं। एग्जैक्टली मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो पूरा आंसर आना चाहिए था, इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, डेफिनेटली ऐसे
240 frauds related particular aspect ka question hai, and that was also identified as one of the important standards in our ABC analysis. Halaki ABC analysis mein maine 315 bhi is baar socha tha important hoga, but per se uske upar isme question yahan to nahi aaya. Old course mein zarur 315 ka sawal pucha unhone. Next, Robo has been audited, appointed as forensic auditor. बहुत समय से आया नहीं था forensic audit का question, इस बार आ गया. और इन्होंने पूछा है कि volume of data बहुत ज़्यादा है, तो आपको बुलाया कि ये stuck up हो गई है. अच्छा, Robo लड़की है, पहली बार बड़ा ऐसा भी नाम लड़कियों का होता है. So she was stuck up into how to proceed further और hidden patterns in information निकालना है. तो उसकी आपकी techniques होती है अलग अलग तरह की data mining की, जिसमें आप वो तरह की information निकाल सकते हो. I've just kept this open for you. सो फॉरेंसिक ऑडिट का हमारा ये जो ड्रोन चार्ट है उसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ. दीज आर द टेक्निक्स विच यू हैव टू काइंड ऑफ मेंशन, कि हम स्टैटिस्टिकल मेथडिकल टेक्निक्स लगा सकते हैं, कैट्स लगा सकते हैं, जनरल ऑडिट टेक्निक, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारी टेक्निक्स एग्जैक्टली यहाँ पे आना चाहिए थी. चलिए, तो ये दो में कुछ कन्फ्यूजन होता है कई बार स्टूडेंट को, तो आई जस्ट शोड दीज कि इसमें एग्जैक्टली क्या आंसर आना चाहिए. एंड दैट्स अबाउट इट. आई थिंक वी आर डन विद आर क्विक डिस्कशन. ओवरऑल आपके पास ये एनालिसिस है, मैंने कौन सा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड था, उसमें क्या चीज़ कवर करना थी, वो सारी चीज़ें, और ओवरऑल मार्किंग क्या है. दिस विल गिव अ फेयर आइडिया टू स्टूडेंट्स ए, वो हैव देयर अटेम्प्ट्स लेटर ऑन इन टर्म्स ऑफ हाउ इज द पेपर वेयर दे कैन फोकस अपॉन. बी, जिन्होंने अभी एग्जाम्स दिए, दे विल गिव सम आइडिया इन टर्म्स ऑफ कि पेपर में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था. सी, माई इनपुट्स और टेक ऑन द पेपर. वन, अ लॉट ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चन, सो नॉट द वन पेपर जिसको देने के आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि फोड़ दिया, या बहुत सारे मार्क्स आएंगे, आपको लगेगा कि ठीक है, दिस वॉज काइंड ऑफ एन ओके काइंड ऑफ अ पेपर. नॉट दैट कि मुझे चीज़ें नहीं आती थी, आई न्यू, बट ऑब्वियसली लॉट ऑफ थ्योरी टू बी रिटन. सो थ्योरी में इन टर्म्स ऑफ यू नो हाउ मच मार्क्स विल आई गेट प्योरली डिपेंड्स ऑन हाउ दी चेकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट वुड बी. एम सी क्यू पोर्शन, इंटीग्रेटेड एम सी क्यू, वेरी पुअर क्वालिटी आई वुड से, बिकॉज दो चैप्टर उठा के पूरे उससे पूछ लिए उन्होंने, और कोई इंटीग्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी. इट वॉज जस्ट बनाने के लिए कहानी बना दी और उसके बाद क्वेश्चन दे दिए. इंडिपेंडेंट एम सी क्यूज वॉज अ गुड वेराइटी, वेरियस एस्पेक्ट से उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में एसेज का मेजर पोर्शन पूछा गया. आप अगर एसेज में देखेंगे सीरीज में, तो यू विल फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ योर क्वेश्चंस वर कमिंग फ्रॉम द 500 सीरीज, देर वर 500 एंड 200 सीरीज. जो अगर आप देखोगे मेरे एबीसी एनालिसिस में, तो आई काइंड ऑफ सेट कि 500 एंड 700 इज समथिंग विच आई फील इंपॉर्टेंट, और 200 में स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है 200 240, दीज आर 299 जॉइंट ऑडिटर वाज आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग, उस पर नहीं आया. बट देन उससे रिलेटेड दूसरे आपको, इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 240 आपको डेफिनेटली देखने को मिला. 265 वॉज समथिंग जो इंस्टीट्यूट कभी पूछता नहीं है, बट इस बार पूछा तो वो काफ़ी डिफरेंट था. 720 प्रीवियस अटेम्प्ट में भी आया था, दे हैव रिपीटेड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो इस बार 720 वापस से आया. 501 रेगुलरली पूछते हैं. 560 में एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि कोविड रिलेटेड चीज़ें थी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स का क्वेश्चन आएगा, और वो कंपलसरी में सेकंड क्वेश्चन आया. रिलेटेड पार्टी का इन्होंने इस बार सवाल पूछा, तो ये सब अपन ने डिस्कस कर ही लिया. इनफैक्ट तो प्रमाली आपके ये सारे स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे ओवरऑल. चलिए, आई होप कि आप लोगों के पेपर्स अच्छे रहे होंगे, and wish you all the very best for your next set of papers. And obviously the sometimes few students say ki sir ye analysis same day pe mat diya karo, isliye maine shuru mein hi bol diya tha. If you are confident about this paper, just kind of chuck it off and don't see it. The reason I give this is primarily I've just shared it in all my videos once again. A lot of students do have that fear ki yaar maine bahut acha nahi kiya hai. Jo acha karta hai student, jiski padhai achhi hoti hai, aur khas taur pe is tarah ke paper mein jo theoretical hote hain, analysis dekhne ke baad unko lagta hai behtar hai. Palak Agrawal ke sath aisa hua tha, she was not very confident, but finally usko laga ki yaar paper discuss karne ke baad ki usne bahut acha kiya hai. She topped all India and she got the best paper award for audit. That was one. And second, I also personally feel जिनके attempts अभी नहीं है उनको आज का अखबार आज पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए क्या paper आया, कैसा उसका analysis है, क्या pattern है, क्या questions पूछे जा रहे हैं, so that in that sense they can kind of plan for their preparation. मैंने जो ABC analysis दिया था, to what extent did it fit in terms of the overall markings, if I say, I would say yes, the overall marking and what we expected was similar. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ज़्यादा वेटेज एसेज का आया, कम वेटेज स्पेशल ऑडिट का. एमसीक्यू में स्पेशल ऑडिट ज़्यादा हो गए, ऑब्वियसली एसेज रिलेटिवली कम हो गए. एथिक्स में बहुत ही प्लेन क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 डायरेक्ट, आई डोंट थिंक उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू था. दिस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग व्हिच आई कुड काइंड ऑफ रेफर. यूडन में आपका रेफरेंस क्या होगा, नोटिफिकेशन वाला, तो आइडियली क्लॉज 1 पार्ट 2 शेड्यूल 2 के अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट की कोई भी गाइडलाइन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स है, इनफैक्ट एक्ट के प्रोविजन है, तो आपको फॉलो करना चाहिए. मेरे हिसाब से वो रेफरेंस जाना चाहिए. चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ डिस्कशन करके. आई होप आपको यूजफुल लगा होगा ये डिस्कशन, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कोई भी आपको डिस्कशन करने के लिए मुद्दा है, तो टेलीग्राम चैनल पे चैट दे दीजिए, वहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे. एंड टेलीग्राम का हमारा सार्थक जैन सी, इनफैक्ट आप सर्च करोगे तो यू विल फाइंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी ज्वाइन द ग्रुप.
एंड होप यू हैव ऑल योर एग्जाम्स गोइंग ऑन वेल, और आगे की भी अच्छी जाएंगी, आपको ऑप्ट आउट ना करना पड़े. चलिए जैन अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ मेरे पास बातें हैं, और आगे के अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातें हैं जो मैं सेपरेटली